तो अभी आप सीखोगे कि हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस 7 हो, 2007 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, सभी का एक ही तरीका है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हमने सीडी डालनी है। सीडी डालने के बाद हमने सीडी को, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, हमने सीडी रूम में सीडी डाल दी। इसके बाद हमने माई कंप्यूटर पर टिक करना है। फिर क्या करना है, जैसे मैंने पेन ड्राइव के अंदर डाल रखा है तो पेन ड्राइव को ओपन करना है। फिर क्या करना है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर इसको भी ओपन करना है, डबल क्लिक करना है। फिर आपने देखना है इसमें नीचे एक सेट ऑफ फाइल होती है, सेट ऑफ फाइल ये है, सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे और फिर क्या करना है, हमने आई एक्सेप्ट, फिर क्या करना है, कंटिन्यू इंस्टॉल नाउ। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट 10 ऑफिस में कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 या 3 मिनट लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश करना, ओके, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको मैं पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा कैसे करते हैं। और अगर ये सीरियल नंबर मांगता है ऑफिस 10, वैसे इसमें सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती। अदर जो ऑफिस होते हैं उनमें सभी में सीरियल नंबर डालना पड़ता है। तो इसके हम क्या करेंगे, हम वापस ऑफिस 10 के इसमें जाएंगे, सेटअप के अंदर माय कंप्यूटर रिमूवेबल ड्राइव ऑफिस 10। फिर अगर ये बाई चांस सीरियल नंबर मांगता है, ये कोड मांगता है, तो इसका यह कोड होता है सीरियल नंबर। इसको आपने ओपन करना है और इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी किया, क्लोज क्लोज, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब आप खोलते हैं तो कहते हैं कि आप कोड डालो, तो तब आपने इसमें ये कोड पेस्ट कर देना है। अगर ये मांगता है, नहीं मांगता है तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है इसमें। ऐसे हम कंप्यूटर और लैपटॉप में ऑफिस 10 इंस्टॉल करते हैं। थैंक्स। फिर अब देखोगे कि हमारा ऑफिस कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करना है, क्लोज किया, उसके बाद हमने ऑल प्रोग्राम में जाना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 10 वर्ल्ड खोला हमने, MS वर्ल्ड। अगर यहाँ पर वो कोड मांगता है तो इसका अर्थ है कि कोड डालना पड़ेगा। अगर नहीं मांग रहा है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें डालने की। ऐसे हम कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 10 ऑफिस 10 डालते हैं। फिर हमने इसको क्या करना है, क्लोज किया, ओके, थैंक्स। ऐसे हमने इस माइक्रोसॉफ्ट 10 को ऑफिस को हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं।